good morning, salam alaikum, sasyagal, whatever you feel connected with. Welcoming all of you to the genius professor. This is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. So aaj hum log bachcho discuss karne wale hain maharashtra board ke time table ke bare mein. And please note kar lena, this is only for PCMB students ke liye, theek hai? Physics, chemistry, mathematics and biology, all right? स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों, टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपका पेपर स्टार्ट होगा 23 अप्रैल को, ऑल राइट। फर्स्ट पेपर विल बी कंडक्टेड ऑन 23 अप्रैल को, जो कि है फ्राइडे, ऑल राइट, उस दिन फ्राइडे, ठीक है। फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का, उसके बाद नेक्स्ट डे ही आपका पेपर है हिंदी का, 23 से डायरेक्ट 24 अप्रैल को, ऑल राइट। उसके बाद आपको आपका कोई पेपर नहीं है, इफ़ यू हैव टेकन ए हिंदी एज एन ऑप्शन, आपको देना पड़ेगा मराठी का पेपर, ठीक है बच्चों। 26 अप्रैल को जिन ग्रामर कर लेना, ऑल राइट। फिर उसके बाद 25 को आप पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, और 25 के नाइट से रिवीजन करना स्टार्ट कर देना, ऑल राइट। अप्रॉक्सली 6 शाम को, इवनिंग के 6 o'clock से आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आ रहा रहेगा, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका मेन पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। इफ़ यू हैव गिवन एन एग्जाम ऑफ हिंदी एंड मराठी आपने नहीं लिया है, ठीक है बच्चों, तो आपको 6 days का हॉलीडेज मिल जाता है, और आपका नेक्स्ट पेपर होगा डायरेक्ट 3 मई को, मंडे को, ऑल राइट बच्चों। फिजिक्स का पेपर होगा, इन बिटवीन टाइमिंग सेम है बच्चों, नोट कर लेना, ऑल राइट। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर होगा 5 मई को केमिस्ट्री का, ऑल राइट। केमिस्ट्री के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ऑल राइट। 4th को आपकी छुट्टी होगी, ठीक है। फिजिक्स का आप जिस दिन पेपर देखे होगे उस दिन केम 1 कर लेना, ऑल राइट, ठीक है। फिर उसके बाद 4th को आप क्या कर लेना बच्चों, केम 2 कर लेना, और 5th को एकदम अच्छे से पेपर लिख के आना, ऑल राइट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर होगा 7 मई को मैथमेटिक्स का, ऑल राइट। मैथमेटिक्स का पेपर देने के बाद बच्चों आपको डायरेक्ट, अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं लिया है, ठीक है, तो आपको बायोलॉजी का पेपर देना है, ठीक है, बायोलॉजी का पेपर देना है, ऑल राइट। उसके बाद ये पेपर होने वाला है 11 मई को, ठीक है बच्चों। 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है आपको, 3 दिन की, नोट कर लेना। फर्स्ट दिन में बायो 1 कर लेना, सेकेंड डे में बायो 2 कर लेना, ऑल राइट। फिर 3rd डे को रिवीजन कर लेना, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका होगा पेपर 12 मई को जूलॉजी का, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो लास्ट पेपर है 15 मई को, इफ़ यू हैव नॉट टेकन अ मैथमेटिक्स, ऑल राइट, आपने मैथमेटिक्स नहीं लिया है तो ज्योग्राफी का पेपर दे सकते हो आप, ठीक है। जैसा आपने ऑप्शन भरा है उस हिसाब से देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है बच्चों, आपका कौन सा पेपर किस दिन है, ठीक है। और फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर एंड इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी, और फिर ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरीज है आप नोट्स भी मांग सकते हो, ठीक है, और इसका इस टाइम टेबल का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाते जाते बच्चों सब्सक्राइब